आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये तीन कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता और आप लोगों की संवेदनहीनता जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवरोधक है, क्योंकि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ना, ये कार्य आप सभी लोग अपने घरों में बैठे रह के आप लोगों को जब ये चीज़ों की रिलैक्स मिलती है तो जाहिर सी बात है आप लोग आह्लादित हो जाते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन उस कार्य को करने वाला कौन है, कौन है इसके पीछे जिन्होंने दिन रात खपाएं अपने, आप उनके लिए सपोर्ट का एक हाथ तक नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही निष्क्रिय बनकर के बैठे रहिए अपने घरों में और एक दिन जब सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी ना तो जाहिर सी बात है फिर माथा पकड़ करके जो है मतलब रोना, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, सारी अपडेट देंगे क्योंकि बीएड विद्यार्थियों की जो एकता का जो दम्भ हम भर रहे थे ना वो अब मुझे टूटता हुआ दिख रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि 12,000 विद्यार्थियों को मैंने एकत्र किया, ठीक है ना। और ये 12,000 विद्यार्थी बहुत जल्दी ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे हमारे नेतृत्व में और हम लोग बाकायदा बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करने चल रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों के लिए अध्यादेश लाने की जो मांग है, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों की यही पुकार, अध्यादेश लाए केंद्र सरकार, सीधी सी मांग है, हमें अध्यादेश चाहिए। ये जो कुछ कुछ राज्य सम्मिलित कर रहे हैं, कुछ राज्य बाहर कर दे रहे हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और सच बताऊं आप लोगों से करोड़ों गुना अच्छे डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि उनमें एकता है। वो सर्वोच्च न्यायालय से जीत चुके हैं फिर भी लगातार एनसीटी, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री, तमाम जो है बेसिक शिक्षा सचिव आदि पे लगातार दबाव बना रहे हैं कि बाहर कर दिया जाए। आप बाहर होकर के बैठो फिर भी आप एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हो, यह है निष्क्रियता आप सभी लोगों की। बने रहो निष्क्रिय, क्या दिक्कत है, हमें क्या चिंता है भैया, हम तो नौकरी पेशे वाले इंसान हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट सारी अपडेट देंगे और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो आपके काम का होने वाला है। पहली अपडेट है आपके टीजीटी और पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और टोटल 981 पद आपके टीजीटी 2016 और टीजीटी 2021 को मिला करके हैं 981 पद। इन पदों पर आप सभी लोग 371 पद निकाल दीजिए। अब आप पूछेंगे ऐसा सर क्यों, कौन ले जाएगा उन पदों को, तो 371 पदों में से 186 पद तो निकल गए। क्यों निकल गए, क्योंकि आज उनको कॉलेज आवंटन हो गया तो वो 156 सीटें 186 सीटें आपकी गईं। अब शेष आप सभी लोगों की लगभग अभी 190 सीटों पर और मतलब समायोजन होना है, तो ये 190 सीटें और निकाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आंकड़े आपके बचते हैं मतलब जो सीटें आपकी बचेंगी उस पर आप सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है। जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदी विषय टीजीटी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी विषय टीजीटी 2021, इसमें जो पदों की संख्या है वो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वर्ग में है मतलब एससी वर्ग में। और सर्वाधिक सीट आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एससी वर्ग में बालिका वर्ग में है सर्वाधिक सीट, ठीक है ना। और बालक वर्ग में भी सीटें हैं और जो रिक्त हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ब्लैंक हैं सीटें, ठीक है ना, जहाँ पे आपको ऑल ओवर यूपी कहीं भेजा जाएगा आपको जाना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आप सभी लोगों को वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीटें रिक्त हैं, ठीक है ना। और टीजीटी 2016 में भी कमोबेश यही स्थितियाँ हैं, सर्वाधिक पद आप सभी लोगों को उसमें संस्कृत में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो लगभग 9 विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जारी होगी टीजीटी 2021 की और लगभग 9 या 10 ही विषयों की जारी होगी टीजीटी 2016 की, ठीक है ना। इन विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की
सितंबर महीने में जारी होगी। तब तक आप सभी लोगों के जो कोर्ट केसेस हैं, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी का जो कोर्ट केस है उसको भी फाइनल किया जाएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आ रही है, हमारे लायर साहब ने दिया है कि उनकी लिस्टिंग का कार्य चल रहा है। मतलब जो विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय भेजे जाएंगे कोर्ट के माध्यम से, उनकी लिस्टिंग का कार्य चल रहा है। इन विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय कोर्ट के माध्यम से भेजा जाएगा याची लाभ के लिए। इन विद्यार्थियों को काउंसलिंग होगी, इनको नियुक्तियाँ मिलेंगी। जब तक कोर्ट केस चलेगा हम जीतेंगे, इनकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। सीधी सी बात है, ठीक है। 830-3272-282 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा और टेट सीटेट सुपर टेट, ठीक है ना, और डीएसएसपी आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हमारे भाई बंधुओं ने नोट्स बुक भी किया है जिनके मैटर अभी सेंड नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे सुपर टेट के भी हमारे भाई हैं कुछ लोग और टीजीटी और एलटी के भी हैं। वजह मैंने उनको भाई वो जब व्हाट्सएप करते थे मैंने उनको वजह बता दी है। आज संडे है, आज इस पूरे मैटर को रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि हम अपने भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका मैटर वो जब पढ़ें मेहनत करें तो वो मैटर उनके लिए कारगर सिद्ध हो, ठीक है ना। उसको बाकायदा रिव्यू करके सारी चीज़ें करके तभी उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए भी एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। बीएड की अनिवार्यता सभी सब्जेक्ट्स में होने चल रही है, क्योंकि टीजीटी में भी अब बीएड की अनिवार्यता हो चुकी है, चाहे वो कला विषय ही क्यों ना हो, ठीक है ना। कला विषय में क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब बीएड वाले इसमें मुसीबत में घिरे पड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, है ना। दिक्कतों का सामना इसलिए है कि नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों की जो मतलब आवश्यकता थी, पहले चलो ठीक है उतना विवाद वो स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि ये जो टीजीटी की जो वैकेंसी आएगी ना वो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों की वैकेंसी होगी, जिसका विज्ञापन आप सब लोगों को इसी वर्ष देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपके 4-5 महीने बच रहे हैं ना इसी में आएगा, ठीक है ना। जो आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो 4 महीने बच रहे हैं इसी में ये विज्ञापन का आना सुनिश्चित है। विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया पहले टीजीटी पीजीटी होगी कि एलटी जीआरसी होगी। देखिए दोनों परीक्षाएं आगे पीछे लगी रहेंगी, ठीक है। कुछ परीक्षाएं आप सभी लोगों की उस आपका 31 दिसंबर के पहले पहले फाइनल हो जाएगा और कुछ परीक्षाएं आपकी फरवरी तक फाइनल होंगी, ठीक है ना। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, 1-2 महीने का जो समय आपका बच रहा है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। आज हम लोग प्रयागराज अब निकलने वाले हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि आज रेस्ट करेंगे, लेकिन कहते नहीं कि आराम कहाँ है। तो आप सभी लोगों के कार्यों को लेकर के आज हम लोग संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी स्तर पे अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनके आवास पर जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाए तत्काल, और जो हमारे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के अपडेटेड अध्याचन हैं वो चूँकि पहुँच चुके हैं लोक सेवा आयोग और इसके विज्ञापन के जारी करने के, क्योंकि सैद्धांतिक मंजूरी मिली है आपके गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें सैद्धांतिक और थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, हमें विज्ञापन से मतलब है। तो इस विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी कराने पर जो है हम लोगों का जोर है। एक बात सामने आ रही है लोक सेवा आयोग की, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग की ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए। जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरओएआरओ की विज्ञापन को दिखाया जा रहा है वो विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर तक जा सकता है, अक्टूबर तक नहीं नवंबर तक जा सकता है। और इस विज्ञापन को डिले करने के पीछे एक ही रीज़न है, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता। ये विज्ञापन जारी होने के बाद जाहिर सी बात है कि आरओएआरओ का विज्ञापन डेट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और आज से कुछ विद्यार्थी गए हैं वहाँ प्रदर्शन करने के लिए भी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रदर्शनों में एकजुटता की बहुत आवश्यकता होती है। विद्यार्थी घर से बाहर तो निकलना पसंद नहीं करते हैं, निकलते ही नहीं घर से बाहर वो, है ना, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है। सोचते हैं कि घर में बैठे रहेंगे, जिसकी घर जोगी जाएगा वो लड़ेगा, जिसकी घर जोगी वो सर्वोच्च न्यायालय में लड़े या केंद्र सरकार से लड़े, अध्यादेश लेवाए, प्राथमिक में बीएड को सम्मिलित कर ले, जिसकी आवश्यकता होगी वो जाए लड़े,
क्या हम ही लोगों की आवश्यकता है क्या? है ना, हम ही लोगों की आवश्यकता तो है नहीं, आवश्यकता आप सभी लोगों की है, ठीक है ना। क्योंकि जो बेरोजगार रहता है जाहिर सी बात है उसी को ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ हैं जो आप सभी लोगों के लिए लड़ते हैं, प्रयास करते हैं और एकजुटता दिखाने के लिए कहते हैं कि भैया हाँ वीडियोज़ को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और वीडियो वायरल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन आप सभी लोग आराम से सुस्त होकर के पड़े रहते हो कि भैया का तो काम है दिन भर में तीन वीडियो दो वीडियो डालना, और ये वीडियो नए भी देखेंगे तो चल जाएगा, हम नहीं देखेंगे दूसरा तो देख रहा है ना। ये सोच आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनने वाली है, ठीक है ना। फिर बाद में ये मत कहिएगा भैया ये गड़बड़ हो गया, भैया वो गड़बड़ हो गया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, फिर भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एकजुटता दिखाई नहीं रहो। और जो हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन बीएड विद्यार्थियों को लेकर करने वाले हैं ना, ये धरना प्रदर्शन देख लीजिएगा, जिस दिन आपका धरना प्रदर्शन स्टार्ट होगा उस दिन से लेकर के चार दिन के भीतर केंद्र सरकार अध्यादेश जारी कर देगी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा बवाल हुआ है जब असम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में सम्मिलित किया है बीएड वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि क्रम और सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार भी करने चल रही है बीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने एकदम क्लियर ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्षों के लिए योग्यताओं को शिथिल कर दिया गया है। इन 5 वर्षों में तो वास्तव में एक आधी भर्ती मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो है 5 वर्ष में कोई टीचर की भर्ती करने वाले नहीं थे, ये तो हम लोगों की मेहनत का परिणाम था कि सरकार कम से कम तैयार हुई थी कि हम 80,000 पदों पर विज्ञापन देंगे, ठीक है ना। अब बीएड विद्यार्थी यहाँ पे भी सम्मिलित कर लिए गए, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को परेशानियों में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक मुद्दा आप सभी लोगों का अहम हो जाता है, 50% LT में। देखिए 50% LT को लेकर के काफ़ी सारे लोग एक्टिवेटेड हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे लोग एक्टिवेटेड हैं। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी बन सकते हैं, ठीक। अकेला इंसान मैं हूँ, उनके चैनल्स पे मैं बता दूँ, उनके चैनल्स पे एक वीडियो में केवल एक घंटे के अंदर 12 से 14 हज़ार के व्यू आता है, ठीक। वो लोग जब हमारे सामने खड़े होते हैं, जिनको आप लोग सुनते हो, हमें सब पता होता है कि हमारे व्यूवर कहाँ जा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर किस किस चैनल को देखते हैं, ये सब हमको पता हो जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है जिन्हें आप देखते हो ना, वो आपके कितने ध्रुव विरोधी हैं, कभी सामने आकर के देखिए फिर पता चलेगा कि उनसे किस तरीके से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की ठनती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एकजुटता दिखाइए, क्योंकि परिश्रमशीलता ही आप सभी लोगों की सफलता के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हमें मोटिवेट करना है। अगर आप एकजुटता दिखाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ वास्तविकता में हमारे भाई बहन सभी हमारे साथ हैं। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल में आप सभी लोगों में बता दूँ कि शासन स्तर पर जो मीटिंग होने वाली थी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का अचानक बनारस का दौरा पड़ गया है ना, वो बनारस से लगे इसकी वजह से मीटिंग नहीं हो पाई थी। उम्मीद है कि मंगलवार को ये मीटिंग होगी। मंगलवार को मीटिंग होने के बाद आपके आयु वर्ग की छूट और ये आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो मामला लटका पड़ा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब सितंबर में आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर तीन कार्य कर लीजिए। आप सभी लोगों का जुड़ाव हम लोगों के लिए पूंजी है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।